राफेल डील पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इससे नरेंद्र मोदी और बीजेपी के ऊपर बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। और इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का इस मामले पर एक बड़ा बयान आया है जिसको लेकर वो मुश्किल में आ सकते हैं। दरअसल बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज कराया है। यह मामला राहुल के स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया है कि चौकीदार चोर है के बाद दर्ज किया गया है। बीजेपी नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने महज राफेल डील पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की बात मानी है। वही कांग्रेस ने भी इस मामले में पीएम मोदी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई सोमवार को दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। बता दें कि शीर्ष अदालत ने सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए राफेल मामले में रिव्यू पिटीशन पर नए दस्तावेज के आधार पर सुनवाई का फैसला किया था। सीजीआई रंजन गोगोई अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने एक मत से दिए फैसले में कहा था कि जो नए दस्तावेज डोमेन में आए हैं उन आधारों पर मामले में रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होगी।